हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारा योगा का ब्लॉग है। पहले भी मैं 2 बार योगा का ब्लॉग बना चुका हूँ। फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के योगा होते हैं। एक होता है उसमें ज्ञान ज्ञान योग, फिर ये जो है भक्ति योग, राजा योग, कर्म योग। फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था। सेकेंड ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो योगा है, हम ये चारों योगा के थ्रू सबसे इम्पोर्टेंट जो है कर्म योगा रहता है इसमें, कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है लाइफ की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अच्छे कर्म करना। ये मैंने आपको सेकेंड ब्लॉग में बताया था। और सेकेंड ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि हमें अपने मन को कैसे शांत रखना है, कैसे माइंड को मैनेज करना है। ये जो है थर्ड ब्लॉग है, और ये मेरा जो थर्ड ब्लॉग है योगा का, और फाइनल ब्लॉग है ये, क्योंकि इस व्लॉग में मैं एक आप मतलब इम्पॉर्टेंट जो है हम इसमें पॉइंट कवर करने वाले हैं। और जो है एक शॉर्ट व्लॉग भी है, थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसमें। और इसके बाद जो है मेरा जैसे ट्रेवल व्लॉग जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जिसमें माय लाइफ जर्नी में आपको एक फर्स्ट योगा व्लॉग मिलेगा, आपको सेकेंड जो योगा का ब्लॉग है माय लाइफ जर्नी, माय लाइफ एक्सपीरियंस में इसमें है। और ये जो थर्ड योगा ब्लॉग है इसमें मैं आपको इसमें योगा ब्लॉग 2 कर दूंगा। और इसके बाद जो है माय लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैं दूसरे एक्सपीरियंसेस बिजनेस से रिलेटेड या दूसरे जो भी है तो वो सब शेयर करूँगा, जो जो मुझे लगेगा शेयर करना चाहिए। और आज का जो ब्लॉग है उसमें हम ये जो है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों में से हमें जो है तीनों इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तो इसमें से हमें डिफरेंस समझना है कि हम एक्चुअल में सब योगा को फॉलो कर रहे हैं और इसमें इम्पोर्टेंट योगा का जो है कर्म योग कैसे आ रहा है इम्पोर्टेंट, और उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। और वैसे हमने गाइस हमने साइंस पढ़ा है और साइंस को हमने देखा है लाइफ में। उसके अलावा हमने जो है हमारे जो ये पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनके एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं। उन्होंने जो मेडिटेशन के थ्रू जो एक्सपीरियंसेस गेन किए थे, तो वो भी एक जो है जो साइंस की बातें जो आती है, साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसका जो है फैक्ट है एक्सपेरिमेंट में, अगर ओके आ रहा है तो वो है, नहीं तो नहीं है, वो भी अपनी जगह एकदम सही है। लेकिन जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे तो उसमें जो है जो उन्होंने जो मेडिटेशन के थ्रू जो एक्सपीरियंस गेन किया था, और जो उन्होंने काफ़ी बड़ी लेवल पे जो योगा किया था, या उनके जो है बहुत सारी चीज़ें आती थी, संत थे, महात्मा थे उसमें, और बड़े योगी थे उसमें जो है, ऋषि बड़े ऋषि मुनि भी कहते थे, अलग अलग नाम आते हैं उनके, अलग अलग काम रहेंगे, तो उनका ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने जो बातें बताई थी वो हमें एक साइंस को टक्कर देता है। कम ज़्यादा किसी को नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए थे, और एक्सपीरियंसेस कैसे मिले थे उनको थोड़ा बहुत हमें समझने की कोशिश करना है। और ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम योगा ब्लॉग बनाया था तो मैंने सोचा था कि इसका कुछ खास फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो मुझे इसका फीडबैक आया था किसी के थ्रू कि ये काफ़ी जो है अच्छा एक्सप्लेन, मैं तो मेरी तरफ से उनको अच्छा लगा था। मेरे ही एक सब्सक्राइबर मिले थे, उनके एक छोटे लड़के ने देखा था, जबकि मुझे लगा कि आज की जनरेशन ये चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएगी कि नहीं, वो मुझे पता नहीं था, या उनमें इंटरेस्ट लेगी कि नहीं, तो मुझे ऐसा फीडबैक आया कि आपने जो ये बनाया था काफ़ी अच्छा लगा उनके लड़के को। तो मुझे ऐसा है कि जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर एक किसी दो एक दो आदमी एक दो पर्सन को भी अगर ये अच्छा लग रहा है और वो इसमें से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे लगेगा मेरा ये वीडियो सफल हुआ। वीडियो ही नहीं, मुझे लगेगा मेरा चैनल सफल हुआ, क्योंकि मेरा चैनल जो है उसमें ट्रेवल ब्लॉग्स जो है, ट्रेवल ब्लॉग्स का भी पर्पस मेरा यही था कि मैं 4 लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, खुद भी एंजॉय करूँ, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी दे सकूँ, और मैं इंफॉर्मेशन भी देता हूँ ट्रेवल से रिलेटेड। उसके अलावा ये जो माय पर्सनल लाइफ में भी कुछ मैंने अच्छे योगा के ब्लॉग जो है जैसे बना रहा हूँ मैं, तो ये सोचे हैं, तो इसमें से किसी एक पर्सन का भी अगर थोड़ा भी भला होता है, थोड़ा भी उसे कुछ काम आता है,
तो मुझे लगेगा कि मेरा चैनल ही सफल हो गया, नहीं तो मुझे ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ट्रैवल व्लॉग चल रहा है, मैं कंटिन्यू उसी पे ही काम करूँ, लेकिन ये जो है मेरा जो है एक्चुअल, ये जो है मेरा जो एक इंटरेस्ट रहता है जैसे खुद को, एक्चुअल हॉबी मेरी स्पिरिचुअलिटी पे है। लेकिन फिर भी जो है स्पिरिचुअलिटी पे तो मतलब सब कंटिन्यू उस पर वीडियोज़ नहीं बना सकते, और आज जो है ये मेरा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्लॉग है। तो इसमें जो है हमें ये समझना है सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले हमें नॉलेज मिलता है कि पहले तो हमें सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें हम सब समझते हैं कि लाइफ में ये चीज़ें रहती है, और वहाँ पे हमें मॉरलिटी और एथिक्स भी सिखाते हैं। मॉरलिटी एथिक्स में तो कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे ही हमें बाय बर्थ हमारे मम्मी डैडी रहते हैं तो जो बच्चों को यही सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। सोसाइटी में भी हम समझते हैं, सोसाइटी में भी हमें फ्रेंड्स रहेंगे, फ्रेंड सर्कल अच्छी रहेगी, या हम जिंदगी लाइफ जीते जीते हम सीखते हैं कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही हम जो है हमें कुछ यूनिवर्स भी हमें सिखाता है, हमें लाइफ भी हमें कुछ सिखाती है। लाइफ में हमें सोरोस मिलते हैं और खुशियाँ भी मिलती हैं, सुख भी मिलते हैं, और जो है तकलीफें भी मिलती है, लेकिन तकलीफों से संभल संभाल जो यूनिवर्स है हमें संभाल भी लेता है टाइम से। तो मतलब जो है हमें एक यूनिवर्स ही सिखाता रहता है काफ़ी कुछ। हमें अगर कोई तकलीफ़ आती है तो हम सोचते हैं कि क्यों तकलीफ़ आई, उसके पीछे दो रीज़न रहते हैं। एक तो हमारा ही कर्म, हमें भले इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का हो, अभी जो है ये सब चीज़ें जो रहती है ये हम अंदाजे पे समझते हैं, कोई पिछला जन्म जाके देख के नहीं आता है। लेकिन जो है हम भगवान ने हमें थोड़ी बहुत हल्का जो है हमें इतना अंडरस्टैंडिंग दिया है कि बहुत सारी चीज़ें हम अंदाजे पे समझते हैं। जैसे है हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन हम उसे रियलाइज़ कर सकते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, हम कभी कभी उससे बात करते हैं और उसे कहते हैं कि तू ज़रूर मेरे लिए बुरा ही सोचता रहेगा। किधर ना किधर जो हमारे लिए सामने वाला सोचता है हमें रियलाइज़ होता है, इसी को कहते हैं कि हमें एक रियलाइज़ करने की थोड़ी सी एनर्जी रहती है। तो वैसे ही हम अंदाजे से समझते हैं कि ज़रूर हमारे अगले जन्म का कुछ ख़राब कर्म रहेगा, इसीलिए हमें ये तकलीफ़ आ रही है। या कोई कहता है कि ज़रूर मेरा अच्छा कर्म रहेगा, या कभी कभी लाइफ में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हम सोचते हैं कि ज़रूरी है मेरे अगले जन्म का, तू मेरा दोस्त है, हम कभी कभी मस्ती में भी कहते हैं, मस्ती में हमारे मुंह से निकल जाता है, लेकिन क्यों निकलता है वो, क्योंकि वो किधर ना किधर जो है हकीकत में है वो सब चीज़ें, तभी हमारे मुंह में से निकलता है, दूसरों के मुंह से निकलता है। कुछ कहावतें रहती है जैसे, वैसे ही कभी कभी हम सोचते हैं कि ये ज़रूर मेरा अगले जन्म का साथी है कोई, ये मेरा फैमिली मेम्बर है, और इस हमारा फैमिली मेम्बर भी हमें कंटिन्यू मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें कंटिन्यू मिलते हैं। इतना ही नहीं, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बिजनेस रिलेशन भी जो हमारे पिछले जन्मों के रहते हैं वही हमें कंटिन्यू आते हैं इस जन्म में, और मतलब जो है कंटिन्यू हमारे साथ रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जो है ज्ञान, हम जो एक लेवल रहती है ज्ञान की भी, तो हमने जो है स्कूल लाइफ में सीखते हैं, बचपन में सीखते हैं, उसके अलावा जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज सीखे थे जो उन्होंने शेयर किए, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें पता है। तो अभी जो है सबसे पहला जो है ज्ञान योगा, जो है ज्ञान योगा तो बाद में की बात है, पहले हमें जो है एक नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। तो हमने सब सीख लिया समझो, फिर ही हम कर्म के बारे में हम समझ गए, क्योंकि पहले तो हमें समझ होनी चाहिए क्या अच्छा है क्या गलत है, फिर हम कर्म योगा को फॉलो करते हैं। जो हम इंसान जो है या तो अच्छा कर्म करता है या तो बुरा कर्म करता है, कुछ तो कर्म करता ही है। रामायण में भी जो है यही दिखाया है, और कृष्ण भगवान जो है उनका भी जो कृष्णा में यही दिखाते हैं कि जो कर्म है हमें हमेशा अच्छे रखने चाहिए, कर्म हमने अच्छे जो है, क्योंकि जो जीवन है एक कर्म फल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कर्म फल पे इसके लिए जोर दे रहा हूँ कि इंसान की लाइफ पूरी कर्म फल है, हमारे साथ जो भी होता है अच्छा बुरा, और जो हमारे साथ बुरा होता है तो हमें जो है स्ट्रांग बनाने के लिए भी रहता है, यूनिवर्स हमें स्ट्रांग भी बनाता रहता है, टाइम टू टाइम सिखाता रहता है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता रहता है। तो वैसे ही इंसान का पूरा जीवन कर्म फल है, हमें लगता है कि हमारे हाथ में है काफ़ी कुछ है सब कुछ है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो है
कभी कभी कोई सोचता है कि नसीब कुछ नहीं रहता है, कि नसीब के जो है, मैं मेरा जो मानना है ऐसा है कि नसीब भी जो अच्छा बनता है वो अच्छे कर्मों से ही बनता है, भले ही वो प्रोफेशनल वो मेहनत कर रहा है सामने वाला। कभी कभी तो किसी किसी को जो है एडुकेटेड भी रहते हैं और फुल जो है प्रोफेशनल में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है सक्सेस प्रॉपर मिल नहीं पाता है, किधर न किधर उनको जो है उनके कार्मिक जो है कार्मिक जो कनेक्शन रहते हैं तो उसको अटकाते हैं कहीं कहीं नहीं कहीं पे। तो उसी तरह हमने अच्छे जो है कर्म मार्ग हमने चुन लिया है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी जो है इंसानों से जो है कुछ ना कुछ मतलब जो है 100% परफेक्ट कर्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो भी नेचर जो है वैसे हमें चलने ही नहीं देगा, वैसे होता ही नहीं है। और कर्म हमें अच्छे कहाँ रखने हैं, हर फील्ड में रखने हैं, हर जगह पे रखना है, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी लव लाइफ हो, चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो हमारी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो हम मतलब कहाँ पे भी है, हमें वहाँ पे हर जगह पे कर्मों जो है हमारे कर्म अच्छे रखने हैं। और उसके अलावा भक्ति मार्ग जो है बाद में हम हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिक भक्ति मार्ग मिलता है, हमारे कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तो भक्ति मार्ग पे जाना जो है आसान नहीं है। और हम भक्ति मार्ग पे जाते हैं, आपने भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे सुदामा की भक्ति थी कृष्ण भगवान के लिए और सच्ची भक्ति थी। भक्ति तो ठीक है हम सब करते हैं, लेकिन उसमें जो है सच्ची भक्ति समझनी है जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। और भरत जी जो थे श्री राम भगवान के जो भाई थे और उनकी जो है उनके लिए सच्चा प्यार था, सच्ची भक्ति थी। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि सच्ची भक्ति वो सब बाद में मिलती है। और उसके बाद जो है ये हमने मतलब ज्ञान योगा समझा, कर्म योगा समझ लिया है, भक्ति मार्ग हमने समझा, सच्ची भक्ति समझी। जैसे प्यार में भी हमें एक स्वार्थी प्यार होता है और एक सच्चा प्यार होता है, किसी के लिए भी, फैमिली के लिए या किसी के लिए भी, जहाँ पे हमारा स्वार्थ बिल्कुल नहीं हो, सामने वाले की खुशी में ही हमारी खुशी हो, उसे सच्चा प्यार कहते हैं। तो वैसे ही सच्ची भक्ति बाद में ही समझ में आती है, पहले इंसान को सच्चा प्यार समझ में आना चाहिए, फिर ही वो सच्ची भक्ति समझ पाएगा। तो जो है मेन मेरा जो और उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था सेकेंड ब्लॉग में कि हमें जो है हमारे माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमारा माइंड ही है जो बड़े में बड़े जो है जो हमें दिखेगा कि एकदम सुखी इंसान है, एकदम पैसे में भी फुल है, हर बात में फुल है, लेकिन उसके माइंड में अगर ऐसी कोई बात आती है तो वो दुखी रह सकता है। उसका माइंड क्या सोच रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। और कहाँ पे जो है एक एवरेज आदमी भी हम देखेंगे हमेशा हंसेगा और अंदर से भी खुश रहेगा, क्योंकि उसके जो माइंड के ही ऊपर सब कुछ है। खैर लेकिन माइंड के ऊपर भी सब कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जो माइंड में बात आती है हमारे हाथों में नहीं रहती है, माइंड को कंट्रोल करना कोई आसान भी नहीं है। तो माइंड को जो है पॉजिटिव, हाँ इतना है कि हमें लाइफ में हर चीज़ एंजॉय करना है, ताकि हमारे जो है जो छोटी छोटी विशेष होती है, ताकि हमें किसी बात का अफसोस नहीं होना चाहिए, मैंने लाइफ में एंजॉय भी किया है काफ़ी कुछ, नहीं तो फिर हमें अफसोस जो रहता है वो अफसोस ही हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में रोकता है आगे चल के, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में अटके रहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। और आज जो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तो ये किसी न किसी आधार पे बता रहा हूँ, मैं अपना बना के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में भी बताया था मैंने योगा का डिप्लोमा किया है, फिलोसॉफिकल योगा ऑफ पतंजलि मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ रेकी हीलिंग कोर्स किया है लेवल 1 लेवल 2, और जिसमें जो है एक स्पिरिचुअलिटी पे स्टडी रहती है, एक माइंड पे जो है स्टडी रहती है, जिसमें हमें माइंड के पावर्स सिखाते हैं किस तरह रहता है, किस तरह हमें अपनी बॉडी को, इमोशन को, माइंड को हीलिंग करना है, खुद को खुद ही हील करना है। उसके अलावा मैं जो है बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे मतलब चलता आ रहा हूँ, और जो है छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके समझता आ रहा हूँ, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैं उसमें जो है दो बातें अच्छी ही मतलब जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है हमने मतलब ये जो इम्पोर्टेंट योगा के जो है 4 पार्ट्स है, और राजा योगा भी आता है इसमें, राजा योगा में तो काफ़ी कुछ आ जाता है, उसका ज़्यादा मुझे भी मालूम नहीं है, उसके अंदर ही ये तीनों तो आ ही जाते हैं जो मैंने आपको बताया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और उसमें और भी आगे कुछ संन्यास योग है,
बुद्धि योग है और भी है, उस डीप है थोड़ा। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है जो मैंने आपको इसे शेयर किया है, उसके साथ मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी प्रैक्टिस किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने इस पे गूगल पे ही स्टडी किया है और उसके यूट्यूब पे ही स्टडी किया है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने रियल में भी प्रैक्टिस किया है। जिससे हम मैनिफेस्ट करते हैं उसमें ऐसे कहते हैं, आपको पता ही रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, 21 डेज आप मॉर्निंग में उठ के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, या सोते टाइम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो या इमेजिन करो, ताकि जो है हमें लाइफ की जो जो चीज़ें नहीं मिल रही है वो सब चीज़ें हमें मिले। तो पैसों में या कुछ अच्छी बातों में या हमारे ड्रीम्स पूरे करने में। तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी ही वर्क करेगा, क्योंकि बहुत जन कहते हैं करता है, बहुत जन कहते हैं नहीं करता है। अभी जहाँ पे नहीं करेगा तो सामने वाला उसको बोलेगा कि जरूर तेरे ही माइंड में कोई नेगेटिविटी आई रहेगी, तूने उसको प्रॉपर नहीं कंटिन्यू नहीं किया है। या फिर 21 डेज की जगह जो है 1 महीना कर, 2 महीना कर, 3 महीना कर, वो सब रहता है कि तुम्हारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आएगी तो ही वर्क करेगी। मतलब इतना आसान नहीं हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब ही हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, हमारे नसीब में रहेगा, तो ही वो सब चीज़ें आने वाली हैं। इम्पोर्टेंट जो है काट साठ के भक्ति जो योगा, भक्ति मार्ग से भी जो रहता है, इम्पोर्टेंट भक्ति योगा भी है और कर्म योगा भी है, दोनों है, ज्ञान योगा भी है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, अभी जैसे मैंने ये भी, हमने साइंस तो पढ़ा ही है, क्वांटम साइंस भी हमने थोड़ा समझा है कि सब कुछ एनर्जी रहता है। तो जो है उसके अलावा मैंने इस पे भी स्टडी किया है, साइकोलॉजी पे भी पढ़ा है मैंने थोड़ा, ऐसे छोटे मोटे, मतलब जो है घर पे भी मैं बुक्स ला के पढ़ता था। तो काट साठ के आज मैं एक ही बात सीखा हूँ, काट साठ के हमें अच्छे कर्म रखने हैं। बस मेरा आज का जो है व्लॉग यहाँ तक ही है, थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन जो है काम का है, और इसके बाद मैं योगा का आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज था मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। और बाकी तो हर एक को अपना अपना लाइफ का प्रैक्टिकल अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, क्योंकि सबका नेचर भी अलग अलग रहता है, सबकी लक अलग अलग होती है, सबके कर्म अलग अलग रहते हैं, सबकी लेवल अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से ये आज का जो है व्लॉग यहाँ तक ही है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जितने लोगों तक पहुँचेगा तो अच्छा ही है ये। और बाकी जो है चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का ही रहेगा, या थोड़ा कॉमेडी, एक दो छोटा मोटा कॉमेडी का भी मैं बनाने वाला हूँ व्लॉग। तो आज का जो है यहाँ पे ही हम स्टॉप एंड करते हैं, बाकी मिलती है हम नेक्स्ट व्लॉग में।